हेलो यूट्यूब, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह। सो एंटरप्रेन्योर्स, आज हम कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ आप लोगों को, हमारे यहाँ पे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं अपने अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ में, किसी नए नए क्रिएटिव आइडिया के साथ में, वो सोच तो लेते हैं अपने अंदर कि मुझे एक स्टार्टअप खड़ा करना है दूसरों लोगों की तरह, जैसे और लोग भी स्टार्टअप करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें एक्सपीरियंस, और क्योंकि आप नए स्टार्टअप करने जाते हैं और जो दूसरे जो स्टार्टअप बड़े बड़े जिसको देख के आप आना चाहते हैं मार्केट में, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप उनको देख के आना चाहते हैं मार्केट में, लेकिन आपके पास कोई नॉलेज नहीं होता है, एक रास्ता आपका क्लियर नहीं हो पाता है। आप सोच लेते हैं कि मुझे स्टार्टअप करना है, आपके पास में एक आइडिया भी होता है, लेकिन आपके अंदर ये चलता है कि क्या मेरा वो आइडिया चल पाएगा, क्या मैंने जो कॉन्सेप्ट सोचा है वो आगे मार्केट में काम कर पाएगा, जो मैं पब्लिक तक अपनी सर्विस को देने जा रहा हूँ वो चलेगा या नहीं चलेगा। आपके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आपका जो वे होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। और जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जिन्हें कुछ करना होता है, हमारे यहाँ पर बहुत आग होता है उनके अंदर, जुनून होता है स्टार्टअप को लेके, लेकिन क्या होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि आगे का स्टेप कौन सा ऐसा बढ़ाएं और किस चीज़ के ऊपर काम करें ताकि मेरा जो रास्ता है वो क्लियर हो पाए। वो भटक जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ मुझे करना है, लेकिन कुछ लोग आते हैं उनके पास में, वो कुछ ऐसा वैसा बात बोल देते हैं जिससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो बोल देंगे तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में, एक्सपीरियंस ही नहीं है तेरे को, तो तू कैसे कर पाएगा इस स्टार्टअप को, अपने आइडिया के ऊपर काम कैसे करेगा। तो बहुत सारे लोग आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि आपको भी अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं लेके जाऊँ, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है कि मेरा ये स्टार्टअप काम करेगा नहीं करेगा, तो आप बैक स्टेप लेना चालू करते हैं। आप सोचते हैं कि छोड़ दिया जाए, ऐसे ही रहें दो, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगा, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अब क्या है कि हमारी टीम, यानी कि मैं और मेरी जो टीम है, वो आप लोगों को हेल्प करेगी इस चीज़ के अंदर में। अगर आपको ऐसा लगता है आप कंफर्म नहीं है अपने स्टार्टअप के ऊपर में, आप कंफर्म नहीं है अपने आइडिया के ऊपर में, आप कंफर्म नहीं है कि आगे आपका बिजनेस या स्टार्टअप चल पाएगा, आप बिल्कुल जीरो ग्राउंड लेवल पे हैं, न्यू एज एंटरप्रेन्योर हैं, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, आप किसी से पूछ नहीं पा रहे क्योंकि आपके अगल बगल में भी ऐसे लोग नहीं हैं जो कि स्टार्टअप किए हैं, जिससे आप थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन ले लें कि आपके लिए वो काम आ सके, वो बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल किसी भी लाइन में जब कोई भी जाता है तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसे पता ही नहीं है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने ये डिसाइड किया, ये सोचा है कि आप लोगों को, जितने भी न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको उनका रास्ता क्लियर नहीं हो पाता है, उनको हम लोग हेल्प करेंगे। अब हेल्प कैसे करेंगे, हमारा एक जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है help.startupecosystem@gmail.com, ये हमारा जो ईमेल एड्रेस है, ये आप लोगों के लिए पब्लिकली है। आप में से जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ अपना आइडिया शेयर करना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नॉलेज लेना चाहिए स्टार्टअप के बारे में, तो आप डायरेक्ट इस मेल एड्रेस पे अपनी जो क्वायरी है वो हमें मेल करिए, हम उसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, देखेंगे आपके मेल्स को कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही। आप अपना फुल डिस्क्रिप्शन डालिएगा मेल पे कि आपको कौन सा स्टार्टअप करने जा रहे हैं, और आप उसके लिए कंफर्म नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि हो पाएगा, या फिर उसको आप सही से डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं अपने आइडिया को, सही से कहते नहीं है वो कि नमक मिर्ची डाल के कुछ ऐसे बना के निखार के नहीं ला पा रहे हैं आप, आपसे वो बन नहीं पा रहा है उसका तरीका कि उसे करना कैसे है, आपसे ने सोच लिया लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे आप। तो मैं और मेरी टीम आपके मेल को पढ़ेंगे, आपका जितना भी क्वायरी होगा उसके अंदर, उस पर हम आपको रिवर्ट मेल करेंगे, जो भी आपका आइडिया के बारे में आप कन्फर्म नहीं है, या फिर आइडिया शेयर करना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं कि आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, तो इसके रिगार्डिंग करिए, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं स्टार्टअप लाना चाहता हूं, या फिर आप कोई ई कॉमर्स में काम करना चाहते हैं, वो भी काम आपसे नहीं हो पा रहा है, तो एज अ ई कॉमर्स कंसल्टेंट हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग आपको बताएंगे इस मेल के ऊपर में कि आपको कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से आप अपने स्टार्टअप को हैंडल कर पाएंगे, तो फिर आप मार्केट में बूस्ट हो पाएंगे अपने स्टार्टअप के साथ में, अपने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के साथ में। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग जो ये जो नया कॉन्सेप्ट चालू किया है, क्योंकि मेरा बेसिकली मोटिव यही था
YouTube पे आने का, क्योंकि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो बैक स्टेप हो जा रहे हैं अपने अच्छे अच्छे आइडियाज़ को, सोच तो लेते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि शायद नहीं चल पाएगा, वो तो छोड़ देते हैं उसको। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना मेक इन इंडिया के तहत जितना भी स्टार्टअप ऊपर आ सके, जितना हम हेल्प कर सके, और मैं और मेरी टीम आपको पूरा हेल्प करेंगे आपके स्टार्टअप के ऊपर में, आपके आइडिया के ऊपर में। तो ये जो हमारा ऑफिशियल मेल आईडी जो है help.startupecosystem@gmail.com, मैं इसका लिंक में जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो मेल आईडी है फुल मैं डाल दूंगा, और अबाउट सेक्शन में भी दे दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हैं और उसके ऊपर कभी भी मेल करिए। 24x7 हम अवेलेबल हैं आपके लिए, आप कभी भी आपका हमारे पास मेल आएगा तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आपको इसका रिवर्ट करेंगे। और जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके अगल बगल में या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो कि इसी चीज़ के कारण डीमोटिव हो रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा है, तो आप भी ये इस वीडियो को शेयर करिए उनके साथ में, ताकि उन्हें भी अगर कोई हेल्प ऐसा चाहिए हो तो हमें वो मेल करें, हम डायरेक्ट उनको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। और आप मेल करेंगे फिर आपको हम बताएंगे कि आपका कौन कौन सा नेक्स्ट स्टेप है और कौन से लेवल पर आप मेल करेंगे तो आपको हम लोग हेल्प करेंगे। तो यही था आज का वीडियो। सो अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो एंटरप्रेन्योर्स, जहां लोगों को प्रॉब्लम दिखती है वहां एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है। सो एंटरप्रेन्योर्स, बी मोटिवेटेड, डू स्टार्टअप एंड बिकम एंटरप्रेन्योर। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्क्रीन विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।